एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशान और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सिक्वल सर्वर में प्राइमरी एंड फॉरेन की क्या होती है, देन हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड देन बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मैं तब भी जब नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की क्या काम करती है कि किसी भी टेबल से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। प्राइमरी की जो है वो आपका यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट का कम्बिनेशन होती है। इसका मतलब अगर आपने किसी कॉलम पे प्राइमरी की सेट कर दी तो ना तो आप उस कॉलम में नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ना ही उस कॉलम में कोई डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। किसी भी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको सिंगल कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हैं देन मल्टीपल कॉलम पे भी। जब भी आप प्राइमरी की को मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई करते हैं देन दैट इज कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। प्राइमरी की को आप किसी भी टाइप के कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसका डेटा टाइप इंटीजर है, कैरेक्टर है या डेसिमल है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को समझते हैं एंड देन फिर हम इसको प्रूव करते हैं कि एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ब्रांच बना लेता हूँ। ठीक है, एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, जब मैं ब्रांचेस बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम ले लिया बी कोड जो कि इंटीजर टाइप का है, उस पर मैंने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को यूज़ किया। सेकेंड ले लिया मैंने बी नेम एंड देन थर्ड वन ले लिया मैंने बी लोकेशन जो कि कैरेक्टर टाइप का, एंड देन मैंने इस पर भी प्राइमरी की मेंशन कर दिया। ठीक है, तो मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि एक टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो देखिएगा, उसने एक्सेप्शन दे दी, एरर दे दी कि आप ब्रांच टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम क्या काम करते हैं, ब्रांच टेबल बनाते हैं एंड देन ब्रांच टेबल में हम क्या काम करते हैं, सिर्फ एक ही प्राइमरी की के साथ बनाते हैं, दैट इज़ बी कोड। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा जो मेरी ये क्वेरी थी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस क्वेरी में कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देखेंगे कि क्या अलाउड होगा क्या नहीं। उससे पहले हम क्या काम कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस कॉलम पे आपने प्राइमरी की अप्लाई की है उस कॉलम में हम डुप्लीकेट वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब जो वो कॉलम है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है वो डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। एंड देन द थर्ड थिंग इज कि जिस कॉलम पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड है वो नल वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करता। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं ब्रांच टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, बी कोड बी नेम एंड देन बी लोकेशन तीनों की वैल्यू इंसर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या काम करेगा। फर्स्ट रो इसमें इंसर्ट हो गई है। अब हमने बात की थी कि डुप्लीकेट रो उसमें इंसर्ट नहीं हो सकती, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं ब्रांच टेबल में सेकंड रो इंसर्ट कर रहा हूँ और जो बी कोड कॉलम था जिस पर मैंने प्राइमरी की सेट किया था उसमें सेम की दोबारा से इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमने पढ़ा था कि वो अलाउ नहीं करता। तो देखिएगा ये अलाउ नहीं करता, इसने कह दिया कि आप सेम वैल्यू को दोबारा से इंसर्ट नहीं कर सकते, इट्स अ वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। थर्ड हमने पढ़ा था कि जो नल वैल्यू होती है वो भी हम अप्लाई नहीं कर सकते प्राइमरी की कॉलम पे। तो इस बार मैंने क्या काम किया, बी कोड में मैं नल वैल्यू को इंसर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो देखिएगा दैट वुड नॉट बी पॉसिबल एज वेल। तो देखिएगा इसने क्या काम किया, इसने बता दिया कि आप नल वैल्यू को बी कोड कॉलम में इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा हुआ है जो कि नल वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। अब बात कर लेते हैं कि कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक से ज़्यादा कॉलम पे प्राइमरी की को बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की, और एक कंपोजिट प्राइमरी की में मैक्सिमम 16 कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड आप जब भी कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं ये टेबल लेवल पे ही पॉसिबल है, ये कॉलम लेवल पे पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक कंपोजिट की में ना मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। बट लेट्स से आपने क्या काम किया, चार कॉलम को मिला के एक कंपोजिट की बनाई थी, ठीक है,
तो हो सकता है कि किसी एक या दो या तीन कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज आती जा रही हो, पर उन चारों कॉलम का जो वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक टेबल बना ले रहा हूँ, ब्रांच डिटेल्स, ठीक है। ब्रांच डिटेल्स में मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे तीन कॉलम है, सिटी जो वर्कर टाइप का है, देन बी कोड एंड देन बी लोकेशन। और मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, जो प्राइमरी की सेट कर रहा हूँ वो सिटी और बी कोड, ठीक है, ब्रांच कोड पे सेट कर रहा हूँ। तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ब्रांच डिटेल्स एक टेबल क्रिएट हो गई है जिसमें जो प्राइमरी की होगी वो सिटी एंड देन बी कोड, ब्रांच कोड पे सेट हो रखी है, दैट इज़ अ कंपोजिट की। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसमें ना कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या काम किया, सिटी की वैल्यू मुंबई है, बी कोड की वैल्यू 10 है, एंड देन जो लोकेशन है वो गुड़गांव है, और इन दो चीज़ों पे क्या है आपकी कंपोजिट प्राइमरी की सेट है। तो पहली रो इंसर्ट करूँगा वो तो अलाउ हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं सेकेंड रो इंसर्ट करने जाऊँगा, ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम नहीं होना चाहिए, या तो ये वैल्यू डिफरेंट हो या ये, पर यहाँ पे मैंने क्या काम किया, दोनों वैल्यू को सेम रख रहा हूँ। देखते हैं क्या ये अलाउ करेगा, नहीं, बिकॉज इट्स अ वॉयलेशन ऑफ प्राइमरी की, क्योंकि जो कंपोजिट की के कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज़ का जो कॉम्बिनेशन है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस बार जो कॉम्बिनेशन है ना उसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या काम किया, जो मेरी सिटी थी वो तो मैंने मुंबई रखी, पर जो मेरे पास बी कोड था, ब्रांच कोड था, वो मैंने 20 कर दिया, 20 कर दिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेटा मेरा इंसर्ट हो जाएगा। अब डेटा इंसर्ट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कॉम्बिनेशन था मेरा कंपोजिट प्राइमरी की के कॉलम्स का वो यहाँ पे डिफरेंट हो गया, दैट्स वाई इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, एक रो इंसर्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, की तो सेम रखता हूँ, पर यहाँ पे जो सिटी है उसका नाम चेंज कर देता हूँ, तो दैट वुड ऑल्सो पॉसिबल, और ये भी हमको यहाँ पे अलाउ करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमें प्राइमरी की कब चूज़ करनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, जब हमें हम नहीं चाहते कि किसी भी कॉलम में हमारी किसी एक कॉलम में नल वैल्यू अलाउ ना हो। सेकंड, जब हम चाहते हैं कि उस कॉलम की जितनी भी वैल्यू है वो यूनिक हो, एंड देन जब हम थर्ड चाहते हैं कि वो मॉडिफाई ना हो। तो ये सिनेरियो है जब हमें प्राइमरी की को यूज़ करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है। एज वी नो कि यूनिक की और प्राइमरी की दोनों ही क्या काम करते हैं, किसी भी टेबल के कॉलम की यूनिकनेस को हैंडल करते हैं, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब भी आप सीक्वल सर्वर में किसी टेबल के कॉलम पे प्राइमरी की सेट करते हैं तो वो उस टेबल के कॉलम पे एक यूनिक क्लस्टर इंडेक्स भी क्रिएट कर देता है। और जब आप क्या काम करते हैं, किसी टेबल के कॉलम पे यूनिक की कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं तो वो उस टेबल के कॉलम पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर देता है। सेकेंड थिंग क्या है कि प्राइमरी की जिस कॉलम पे सेट होती है उस कॉलम में आप नल वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते, जबकि यूनिक की क्या काम करता है, एक नल वैल्यू को अलाउ कर देते हैं। लेते हैं कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट सिक्वल सर्वर में क्या होता है। सो डेटाबेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डेटाबेस टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करते हैं। रिलेशनशिप आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू मल्टीपल टेबल्स में जो डेटा स्टोर हो रखा है हम उसको आपस में लिंक करके डेटा को एक इफिशियंट मैनर में रिट्रीव कर सकते हैं। जब भी आपको दो टेबल के बीच में लिंक क्रिएट करना होता है तो हम किसी एक टेबल में फॉरेन की कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई करेंगे, और जिस कॉलम पे हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई किया है वो फर्स्ट टेबल के लिए एक रेफरेंस होगा। इससे हम समझते हैं कि जो फॉरेन की कंस्ट्रेंट होता है वो दो टेबल की एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो क्या काम करता है, एक टेबल के डेटा का दूसरे टेबल में एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट को हम सिक्वल सर्वर में कैसे डिफाइन करते हैं। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम समझते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि जब भी आपको दो टेबल की एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करनी है तो उन दोनों टेबल को लिंक करने के लिए उनमें एक कॉमन कॉलम अवेलेबल होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में, जरूरी नहीं है कि उसका नाम सेम हो, बट उसका डेटा टाइप दोनों टेबल में सेम होना चाहिए। जो कॉमन कॉलम होता है, ठीक है, वो फर्स्ट टेबल में, जिसको आप पेरेंट टेबल या मास्टर टेबल भी हो सकते हैं,
उसमें हम उसको रेफरेंस की कॉलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड जो कॉलम होता है, जो सेकेंड टेबल होगी, उसमें सेम कॉलम को हम फॉरेन की कंस्टेंट के नाम से जानेंगे। जो रेफरेंस की कॉलम होगा, मतलब कि फर्स्ट टेबल के लिए, वो किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेकेंड टेबल में कॉलम फॉरेन की है, वो फर्स्ट टेबल में या तो यूनिक की होगा या प्राइमरी की होगा। अगर सेकेंड टेबल में जो कॉलम हमने फॉरेन की स्पेसिफाई किया है, वो फर्स्ट टेबल में प्राइमरी किया है, ठीक है, तो आइडेंटिटी कॉलम भी सेम कॉलम पे इम्पोज होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चाइल्ड टेबल की। तो चाइल्ड टेबल में जो कॉमन कॉलम अवेलेबल होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम फॉरेन की कंस्टेंट को स्पेसिफाई करते हैं, जो फर्स्ट टेबल की प्राइमरी या यूनिक की को रेफरेंस करता है। अब बात कर लेते हैं कि किन्हीं भी दो टेबल के बीच हम प्राइमरी और फॉरेन की कीज़ को यूज़ करके रिलेशन कैसे बनाते हैं। तो क्या होता है कि हम क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाने वाले हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंट, DEPT, जिसके अंदर हम एक प्राइमरी की कंस्टेंट को यूज़ करेंगे, एक प्राइमरी की बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारी पेरेंट टेबल होगी। फिर हम यहाँ पे एक अनदर टेबल बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम फॉरेन की स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये डेटा एक बार दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है उसको बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट लोकेशन तीन कॉलम है। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको मैंने प्राइमरी की बनाया, तो मैंने यहाँ पे इस क्वेरी को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये टेबल मेरी बन गई है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये बेसिक इंसर्ट क्वेरी मैंने डिपार्टमेंट टेबल के लिए एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है। अब हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट टेबल के रिकॉर्ड्स, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम रिकॉर्ड्स। तो हमने ये जो कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए थे वो यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे सेकंड अपनी जो टेबल थी उसको क्रिएट कर लेते हैं। उसका टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय, ठीक है। वहाँ पे जो EID है वो मेरी इस टेबल की प्राइमरी की है, ई नेम, सैलरी और जो D नंबर है, ठीक है। D नंबर को मैंने एम्प्लॉय टेबल में क्या बना दिया, एज ए फॉरेन की रेफरेंस ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉरेन की कंस्टेंट लगा दिया, कैसे कि डी नंबर जो है वो इन टाइप का, फिर फॉरेन की और फिर रेफरेंसेज में मैंने इसको डिपार्टमेंट टेबल के डी नंबर का रेफरेंस दिया कि ठीक है कि जो डी नंबर है वो एम्प्लॉय टेबल में एज ए फॉरेन की है और वो डिपार्टमेंट टेबल के जो डी नंबर है, ठीक है, जो प्राइमरी आईडी थी उसको रेफरेंस करती है। तो अब हम ये टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको कुछ रूल समझा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी हम क्या काम करते हैं, किन्हीं दो टेबल के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करने के लिए प्राइमरी की और फॉरेन की बनाते हैं, तो उस टाइम पे ना हमारे पास तीन रूल जो होते हैं वो पिक्चर्स में आते हैं। अब उनको हम वन बाय वन समझते हैं। तो क्या होता है कि आप फॉरेन की कॉलम में कोई भी ऐसी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करा सकते जो पेरेंट टेबल के प्राइमरी की कॉलम में नहीं है। अगर आप ऐसी कोई वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे तो वो अलाउड नहीं होगी। तो इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपको एक बार सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिपार्टमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी तीन ही आईडी है डी नंबर में, 10, 20 और 30, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब यहाँ पे मैं डी नंबर में 10 और 20 आईडी जो डाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पे अलाउ कर देगा, ठीक है। बट जैसे मैंने यहाँ पे आईडी 40 का रेफरेंस दिया, क्योंकि कोई आईडी 40 तो है ही नहीं उसमें प्राइमरी की में, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसको अलाउ नहीं करेगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ऐसे ही वहाँ पे आईडी 30 थी, वो इसको अलाउ कर देगा, ठीक है। बट प्राइमरी की में कोई आईडी 50 नहीं है, तो आप फॉरेन की में कोई ऐसी आईडी नहीं डाल सकते जो प्राइमरी की में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल को समझ लेते हैं, ठीक है। ये रूल कहता है कि आप डायरेक्टली पेरेंट की पेरेंट टेबल में जो प्राइमरी की वैल्यू है उसको अपडेट नहीं कर सकते अगर जो चाइल्ड टेबल में उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो सपोज कीजिए हम क्या काम करना चाह रहे थे, जो डिपार्टमेंट टेबल थी तो हमने कहा कि जहाँ पे आईडी 10 है उसकी आईडी 100 कर दो, क्या कर दो, जहाँ पे आईडी 10 है वहाँ पे आईडी 100 कर दो। तो रूल नंबर 1 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब मैं रूल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, अब डिपार्टमेंट 10 के अगेंस्ट क्या है, यहाँ पे चाइल्ड टेबल में डेटा पड़ा है, ठीक है, इसका मतलब एक चाइल्ड है,
ठीक है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जिसकी आईडी 10 है उसमें एक एम्प्लॉय काम करता है ए, जिसकी आईडी क्या है 101। अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे पेरेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 10 की जगह में 100 कर दूंगा, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे अगर ये 100 चेंज हो गया, पर चाइल्ड टेबल में तो वो आईडी अभी 10 को रेफरेंस कर रहा है, अब 10 तो वहाँ पे पेरेंट टेबल में रहेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए आप बिना चाइल्ड टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट किए पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की या यूनिक की होगी आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। तो रूल नंबर 3 बोलता है कि सपोज कीजिए अगर आप पेरेंट टेबल से किसी ऐसी रो को डिलीट करना चाहते हैं जिसके अगेंस्ट चाइल्ड टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे, पहले पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले आपको चाइल्ड टेबल्स के रिकॉर्ड को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पेरेंट टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रूल नंबर 3 को करके देख लेते हैं। हमने देखा था कि डिपार्टमेंट नंबर 20 के अगेंस्ट हमारे पास एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, उस एम्प्लॉय को डिलीट किए बिना मैं सीधा डिपार्टमेंट को डिलीट कर देता हूँ जहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 20 है, तो आप देखेंगे इट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की जो कंस्टेंट होता है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो प्राइमरी की क्या काम करता है, वो SQL सर्वर में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड, प्राइमरी की ना तो नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और ना ही डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट करता है उस कॉलम पे जिस पे हमने प्राइमरी की को अप्लाई किया। थर्ड थिंग, जब भी आप किसी कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तो उस कॉलम पे एक यूनिक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट हो जाता है जो टेबल में जो डेटा होता है उसको फिजिकली ऑर्गेनाइज करता है। आप किसी भी टेबल में एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो आप आपकी प्राइमरी की है वो आप सिंगल कॉलम पे बना सकते हो और मल्टीपल कॉलम्स पे भी। अब बात कर लेते हैं कि फॉरेन की की, तो फॉरेन की क्या होता है, किसी सेकंड टेबल में एक फील्ड होगा जो फर्स्ट टेबल की यूनिक की या प्राइमरी की को रेफरेंस कर रहा होगा। फॉरेन की नल और डुप्लीकेट दोनों वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेता है। थर्ड थिंग, जब भी आप किसी टेबल पे फॉरेन की कंस्टेंट बनाएंगे तो वो कोई क्रिएट इंडेक्स को क्रिएट नहीं करता, बट अगर आप चाहे तो मैनुअली उस कॉलम पे कोई भी नॉन क्लस्टर इंडेक्स को क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ थिंग, एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है। वन मोर थिंग, हम किसी फॉरेन की कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते जो वैल्यू प्राइमरी की कॉलम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट इसका रिवर्स पॉसिबल है। इसका रिवर्स क्या हुआ कि हम प्राइमरी की में कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं जो फॉरेन की में नहीं है, पर फॉरेन की में कोई ऐसी वैल्यू नहीं डाल सकते जो प्राइमरी की में नहीं है। सेकंड थिंग, आप क्या काम कर सकते हैं, प्राइमरी की को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते अगर उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई फॉरेन की भी है, ठीक है, बट हम फॉरेन की रिकॉर्ड्स को पहले डिलीट कर सकते हैं चाहे उसके अगेंस्ट प्राइमरी की है या नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस थे जिनको समझ लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, क्या हम एक टेबल के अंदर मल्टीपल यूनिक फॉरेन और प्राइमरी कीज बना सकते हैं? सो इसका आंसर क्या है कि आप SQL सर्वर में किसी भी एक टेबल में मल्टीपल यूनिक और फॉरेन कीज बना सकते हैं, राइट, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की बना पाए। तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, अब वो आपकी मर्जी है कि आपने वो प्राइमरी की सिंगल कॉलम पे बनाई है या मल्टीपल कॉलम पे। अब ये बात कर लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि जो फॉरेन की होती है वो किसी दूसरी टेबल की नॉन प्राइमरी की को रेफरेंस करे? यस, इट इज़ पॉसिबल। तो रूल ये कहता है कि जो फॉरेन की होती है वो फर्स्ट टेबल के किसी ऐसी कॉलम को रेफरेंस करे जिसके अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट टेबल का कॉलम हो उस पर या तो यूनिक की कंस्ट्रेंट हो या आपका प्राइमरी की, ठीक है, तो यस इट इज़ पॉसिबल कि फॉरेन की जो है वो नॉन प्राइमरी की कॉलम को भी रेफरेंस कर सकते हैं, दैट इज यूनिक की। कैन अ फॉरेन की एक्सेप्ट नल वैल्यूज इन SQL सर्वर? यस, तो जो फॉरेन की होती है वो नल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकती है। अब हम क्या काम करेंगे,
अब हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि SQL सर्वर में प्राइमरी की और फॉरेन की को यूज़ करके टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और उस पर जब टेबल बना रहे हैं उस टाइम पे हम कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको समझते हैं, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल, एंड देन टेबल का नाम है एम्प्लॉय EMP, और उसके अंदर तीन कॉलम है, एम्प्लॉय ID, ईनेम एंड सैलरी। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ इसके ऊपर, ठीक है, मेरे को प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड करना है। तो आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चेक करना होता है कि उस टेबल के अंदर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना हो, और उस डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना हो, एंड देन सेकेंड थिंग उसके अंदर कोई नलेबल वैल्यूज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम क्या काम करेंगे, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को ऐड करने से पहले उस पर नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस पर नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड कर दिया। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इंप आईडी कॉलम पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ऐड कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का नाम, देन फिर वो कंस्ट्रेंट क्या है, प्राइमरी की और किस कॉलम पे, एम्प्लॉय आईडी पे। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, हम दूसरी टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट के नाम से, DEP के नाम से दूसरी टेबल को क्रिएट कर लिया, इस पर भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। अब हम क्या काम करते हैं, जो इसमें हमने EID कॉलम लिया था DEP टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में, इसको हम फर्स्ट टेबल का, जो हमारी एम्प्लॉय टेबल थी, ठीक है, उस टेबल की प्राइमरी की का रेफरेंस यहाँ पे एज ए फॉरेन की ऐड करेंगे। कैसे, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, फिर ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, देन फॉरेन की, किस टेबल पे अप्लाई करना है, EID पे अप्लाई करना, किस कॉलम पे अप्लाई करना है, EID पे, फिर रेफरेंस किसका देना है, एम्प्लॉय टेबल की, इम्प आईडी का। ठीक है, तो ये भी हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज द वे कि हम कैसे दो टेबल के बीच में प्राइमरी की एंड देन फॉरेन की को यूज़ करके रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं। अब लास्ट समझ लेते हैं कि अगर आपको किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल से कंस्ट्रेंट को रिमूव करना होता है तो उसके लिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर ड्रॉप कंस्ट्रेंट एंड कंस्ट्रेंट का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को डिलीट करने जाएंगे, ठीक है, तो आपको उससे पहले फॉरेन की कंस्ट्रेंट को वहाँ पे डिलीट या ड्रॉप करना पड़ेगा, उसी के बाद आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को डिलीट कर पाएंगे। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, आज की वीडियो में हमने पढ़ाया कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्या होते हैं। सो प्राइमरी की किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड देन जो प्राइमरी की होती है वो नल और डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती है। फॉरेन की क्या काम करती है, आपको जब भी किन्हीं दो टेबल को आपस में लिंक करना होता है, ठीक है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप को क्रिएट करना होता है, उस पर्पज़ के लिए हम फॉरेन की को यूज़ करते हैं। तो सपोज़ कीजिएगा आपने सेकेंड टेबल में किसी एक कॉमन कॉलम को फॉरेन की बना दिया, तो वो जिस कॉलम को आपने फॉरेन की बनाया वो कॉलम फर्स्ट टेबल में या तो प्राइमरी की होगा या यूनिक की होगा। ठीक है, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप एक बार यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।